सो हेलो गाइस, जैसा आप लोग जानते हो कि भाई साहब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका हूँ और आज हमारे साथ में एक शख्स जुड़ने जा रहा है हमारे न्यू टूर पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो इंसान को आप सभी लोग जानते हैं और ये हम दोनों का पहला दूसरा टूर है। अभी तक सारे टूर कैंसिल हो चुके हैं, ये टूर है। और ये इंसान देखो कितना हैंडसम दिख रहा है नींद में से उठ के। देखो ये कौन है? छल्ला रोंदा फिरे छल्ला गली गली नचिया। तो भैया ऐसा है कि अभी अपन ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया आज से, तो आज से अपना पहला व्लॉग होने वाला है। अच्छा, और मजे आने वाले हैं। तो कुछ बोलना है आपको? क्या दिख रहा भैया तुम आए गाइस? आदमी ने पूरी मेरे बालों की कॉपी मार दिया। मेरे बालों की कॉपी? चलो पहले मेरे बालों। वाह खुदा, शाहरुख खान अभी अवार्ड लेने गया था, याद है तुम्हारे को? नहीं, जिसकी न्यूज टीवी चैनल वालों ने नहीं दिखाई। नहीं मैंने देखा। क्यों नहीं दिखाई पूछे? आपका स्वागत है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, रमेश भाई उधर खड़े हुए और ये ठिंगनी की तरह ठिंगनी तरह। हाँ तो अरे कितनी गड्डी है माँ का। तो गाइज ये भी रेडी हो चुकी है और ये है हमारे भाई की तरह। हमारे भाई भागो 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 जल्दी भागो, भाई गाड़ी बुक करो ना। ये हमारी तैयारी हो चुकी है और ये इंसान कैसा शांति से बैठ सकता है, मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही। मेरे को पता है एक घंटा यहाँ से। तो गाइज पता नहीं हमारा टूर कैसा रंगा करके, पर देखते हैं। ये हमारा लगेज, ये हमारी ठिंगनी, ये ठिंगनी सब जल्दी सेट पब्लिक। हाँ गाइज अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम। परफ्यूम लगाना चालू है और इनके पास में परफ्यूम का अच्छा खासा कलेक्शन है जो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, ब्लॉग से जुड़े रहे, जल्दी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? स्टेशन पे जाने के बाद बताऊंगा आपको। अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम, दुआ की दरख्वास्त। अरे लाइट ऑन कर दिया है। तो गाइज हमको रिक्शा नहीं मिल रहा है, हम लोग अभी पैदल जाने वाले और हम लोग भंड हो चुके। क्या पता है पूरी मुसीबत है ये टूर में शिकारी करके, पर अल्लाह का एक आधा बंदा मिल जाए गाड़ी वाला जिसकी गाड़ी में हम लोग चले जाए। देखते अभी सब टूर्स कैंसिल हो रहे। सो गाइज हमारे साथ अभी एक दुर्घटना हो चुकी है। हम तीनों ने, तीनों दिख रहे कहीं दिख रहे पता नहीं, तो हम तीनों ने क्या करे मालूम है क्या? उबेर पे बुक करे राइड रेलवे स्टेशन की, हर तरफ करे हो रही नहीं। क्या बोलना चाहेंगे तुम? कुछ भी नहीं, इसके पास शब्द ही नहीं है भाई। तुम क्या बोलना चाहेंगे? तुम कुछ बोलेंगे मेरे को मालूम है, बोलो भाई। मेरे को तो लग रहा है साजिश है भाई। हाँ फिर भी अभी भी लेके नहीं जा रही है लोग। हाँ फिर भी हम, मैंने सफ़र की दुआ पढ़ा तो एक बंदा आ रहा है 350 में आ रहा है, बट ठीक है चलेंगे भाई, अभी जाना ज़रूरी है। ठीक है हेलो ऑफिस, व्लॉग में जुड़े रहे। तो गाइस जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई हमको गाड़ी नहीं मिल रही करके, तो फाइनली हमको हमारे मसीहा मिल चुके हैं जिनका नाम है राहुल भाई। और राहुल भाई का नेचर भी बहुत एक नंबर है। और ये रहे हमारे राहुल भाई। राहुल भाई जरा बताओ। गुड मॉर्निंग ब्रो। यस। सो गाइस आप लोग सोच रहे थे हम कहाँ जाने वाले, तो हम जाने वाले हैं मैसूर हजरत टीपू सुल्तान के। और ये इंसान को सिगरेट नहीं मिली। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सब सिगरेट नहीं मिल रही। और उन्होंने उनकी चाय गरम गरम पी, भाई आपकी चाय लो गरम गरम आपकी चाय। और हमारे भाई अभी चाय पियेंगे। भाई चाय का टेस्ट कैसा है? हाँ हाँ थोड़ा अच्छा है। अरे पूरी मारे गई हमारी ट्रैवलिंग के अंदर, 10 मिनट हमको कम से कम 20 मिनट के अंदर कार वाले ने पहुंचाया। भैया एंगल बराबर है, मतलब तुम्हारा भाई अच्छा करता है। ओके अब से इसी पकड़ूंगा। तो गाइस हमारे ब्लॉग में जुड़े रहे और थोड़े वाइबल हो चुके हैं, लोग हमको घूर रहे देख देख के, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबके सब मिलकर। और ये हमारे रमेश भाई बहुत हैंडसम दिखते हुए। अरे ये करोड़, ये डालूंगा स्टार्टिंग के थंबनेल पे डालूंगा, ये करोड़ है सब्सक्राइब करो रे तुम्हारी ऐसी टीम। और ये रईसा क्वीन फुल आनंद लेते हुए चाय पीते हुए। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता है कि कौन से पोजा मारू करके, समझ भी नहीं आता ये लोग कैसा एस्थेटिक वीडियो बनाते हैं। क्या पता ऐसा दिखते कैसा दिखते क्यों करते, हम बनाए तो हम तेरे नाम के सलमान खान बन जाते। अभी तो मौजूद हालत में तुम भूकुटी दिख रहे भाई। एक बार कर दो ना तो हमारे जैसे लोग तेरे नाम के सलमान खान दिखते मालूम।
अरे तुम तेरे नाम के सलमान खान ने भाई अपरिचित के वो दिख रहे तुम इधर आते को वड़ा पाव वाला था क्या बोला मैं सो गाइस लाइक ब्लॉग सॉरी ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। तो ये जो हमारी ट्रेन है सब लोग बोल रहे थे कहाँ जा रही तो बता देना चाहूँगा मैं कि हमारी जो ट्रेन है वो जा रही है कर्नाटका। कर्नाटका में हम लोग जाने वाले थोड़ा इधर हो जाता हूँ भाई लूटेरों का भरोसा नहीं। तो कर्नाटका में हमारी जो ट्रेन है वो जाने वाली है हासन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हैंगा एक प्रमोशन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका नाम है आदिवासी हेयर ऑयल। मेरे हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मैंने क्या सोचा कर्नाटक जाके आदिवासी हेयर ऑयल लेकर मैं ला रहा हूँ। ऐसी मेरे को उसने स्क्रिप्ट बोलने को बोले हुए हैं बट ठीक है अपना हेयरफॉल नहीं होता है बट ठीक है कर लेंगे। इसके आगे कोई नहीं बोल सकता ठीक है इस ब्लॉग में जुड़े रहे। अभी टाइम हो रहा है हमारा 6:30 हम लोग सुबह के 5 बजे से निकले 12 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमको ट्रैवलिंग के लिए। मज़ा आ रहा है सोते सोते पूरा रास्ता जा रहा है फर्स्ट एसी कर लो एक नंबर मज़े आ रहे। तो ब्लॉग में जुड़े रहे और सुनना है मेरी बात। गाइस ये आदमी भंड हो चुका है अभी और मैं ऐसा लेटा हूँ अभी और ये मेरे पैर दबा रही है। तो ये आदमी अभी पागल हो चुका है पूरा। भाई कैसा कर रहे थे कैसा तो भाई जुड़े रहे अभी भंड हो चुके हैं हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे एक तो ट्रेन के अंदर हमको खाना वगैरह नहीं मिल रहा सही से और ट्रेन का खाना खाना भी नहीं मेरे हिसाब से। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ट्रेन का खाना मत ही खाओ तो बेहतर है। मैं ऐसा बोलूँगा तुमको ट्रेन का खाना मत खाओ इससे बेहतर है कि तुम अपना घर से खाना लेके आओ और फटाफट खा जाओ करके क्योंकि ट्रेन के अंदर भाई पोहे बड़े गंदे मिलते। मैंने ऑर्डर करा अंडा ब्रेड खाई नहीं गए उससे बेहतर मैंने क्या खाया केले आम नहीं आम नहीं सॉरी जाम और बस पेरू पेरू खाया मैंने पेरू सब में हाँ जो भी हुआ वाह अल्लाह हाफिज़ जुड़े रहे जैसे हम स्टेशन पर पहुँचेंगे मैं नया अपडेट दूंगा लोग अल्लाह हाफिज़। भाई साहब क्या बोलना है आपका तो ये भी भंड हो चुके आपका क्या बोलना है सबके मुंह देख लो और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कोई बोल नहीं सकता। मैं वो सोयल एक्सडीयू करके जो वीडियो बनाता करके और ये रमेश भाई है ये भी नहीं बोल सकता कोई क्योंकि सबके पिछवाड़े दुख चुके हैं बैठ के बैठ के सो के खड़े रह के पूरे बैठने के सोने के खड़े रहने के आइडिया खत्म हो गया सब पूरे जितने भी हमारे फालतू टॉपिक आते पूरे निकाल लिए दुबई चल गए स्पेन चल गए तुर्की चल गए वीजा बना लिए पासपोर्ट बना लिए घर खरीद लिए बेच डाले सब कर डाले पूरे प्लान खत्म हो गया भंड हो चुके हम। और ये ट्रेन में ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए स्पेशल सर्विस है करके देखो ये पूरे लॉबी के अंदर कोई चीज नहीं है ही नहीं कोई नहीं है वो एक मंत्री को कैसे सर्विस देते कि अकेला रहते वैसे हम तीन मंत्री बैठे हुए यहाँ पे बाहर का सीन और बाहर का सीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्रॉसिंग में ट्रेन रुकी हुई है फ्लैश बंद करो। अरे यार ये फ्लैश कैसे बंद करो आया क्यों आया भाई मैं भोसड़ी वाला हूँ जो इसमें आया मैं नहीं आना था नहीं आना था बोले नहीं आना था यार मैं गलत डिसीजन गलत था क्योंकि ऐसा लग रहा यो यहाँ से मैं घर पहुँचने वाला हूँ लेकिन सपना मेरा पूरा होने वाला था। सो गाइस फाइनली हम लोग पूरे 20 घंटे की ट्रैवलिंग करके हासन डिस्ट्रिक्ट 21 घंटे की ट्रैवलिंग करके हम लोग फाइनली हासन में पहुँच चुके और आगे हम लोग जाने वाले यहाँ से इधर जाने वाले भैया कहीं तो जाने वाले ऐसे 20 किलोमीटर है वहाँ से हम लोग जाएंगे आदिवासी वाले का प्रमोशन करेंगे और प्रमोशन करने के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे हजरत टीपू सुल्तान की जो मज़ार है उनका पैलेस है वो दिखाएंगे। तो ब्लॉग में जुड़े रहे भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे कल तुम कुछ बोलेंगे नहीं सबके सब खत्म हो चुके। सो गाइस
हम रीच हो चुके हैं हमारे होटल पे, जिसका नाम है होटल सुवर्ण कम्फर्ट्स। और बहुत ही माशाल्लाह से बोलूँगा अच्छा होटल है, मेरे को पसंद आया। और देख सकते हैं आप लोग व्यू होटल का, देखो मस्त है भाई, मेरे को पसंद आया पूरा लुक, देख सकते हो। सो हेलो गाइस, अरे कितना गंदा दिख रहा हूँ मेरे को। सो हेलो गाइस, तो फाइनली हम सभी लोग उठ चुके हैं। वहाँ पे वो मैडम का चल रहा मेकअप, यहाँ पे ये इंसान का चल रहा सीरियल, और अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। मतलब नाश्ता आ चुका है हमारा, अभी थोड़ा टाइम में हमारा वो जो प्रमोशन वाला बंदा है वो कार लेके आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा उनके विलेज में। और वहाँ पे उन्होंने कहते मेरे वास्ते सेटअप ला के रखे हुए, जाल वील और टाइगर वाले कपड़े क्या 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 ला के रखे हुए, देखना पड़ेगा। मैं क्या कहूंगा, मैं तो बड़ा एक्साइटेड नहीं हूँ, पर ठीक है देखते जब का तब क्या करके। क्योंकि मेरे को टेंशन आ रहा कि उसने ऐसा कौन सा सेटअप कर डाला जो इतना कुछ करे हुआ है, उसके बाद में चीला कुत्ते भागूंगा, उसके बाद पकड़ेगा, उसके बाद में पकड़ने के बाद में पता नहीं क्या करेगा वो, देखते भाई कुछ बुरा हाल होने वाला है मेरा, बट ठीक है कर लेंगे। हाँ भाई गिरा के मारो भाई, एक तो ये जगह पे उसने जब बुलाया ना मेरे को, मैं बोला भाई जाऊ के नहीं जाओ, क्या पता फील्डिंग विल्डिंग लगा के तेरे नका सामना लेने, इसलिए मैंने पहले भाई को बोल दिया था, मतलब भाई तो भाई भी बोल रहे हो लाला पहले कंफर्म कर लो कोने करके। अरे वो तो अपन दोनों कर लेते, किस पे भारी कोनी का, एक मियाँ भाई 10 पे भारी तो 2 है इधर, तो निकल जाओ ना। तो जुड़े रहो, जैसे वो आएंगे फिर मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। नाश्ते में आज हमने ऑर्डर करे हुए साउथ इंडियन इडली डोसा, राइस इडली और उपमा, नहीं उपमा नहीं, उपमा नहीं, क्या है जी वो, पोंगल नहीं, पोंगल नहीं, कुछ तो भी आया वो, जो भी है खाएंगे हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक घंटे से मेकअप कर रही है, इसका मेकअप ही ख़त्म नहीं हो रहा। अरे किधर है, हाँ गाइस गाइस देखो, हाँ ये देखो एंगल, देखो एंगल कितना किलो मेकअप, कि 5 किलो मेकअप, मतलब आज से प्रूफ हो चुका है कि लड़की अपने चेहरे पे 5 किलो मेकअप लगाती है करके, ठीक है। तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग में, लगाने को घंटा लगता, उतना उतारने को उससे ज्यादा टाइम लगता। यस सही बोले, ठीक है, अच्छा लग रहा ना आज, मजा आ रही है। देखो ये देखो झाड़ आगे बीच में दादा, हाँ आप मिला रहे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई, आपके गांव का नाम क्या है, कुछ तो भी हल्ली हल्ली जो भी हल्ली उल्ली, तो हम लोग आ चुके हैं भाई के गांव में। तो यहाँ पे पूरे लोग हम लोग को ऐसा देख रहे हैं, इतना खतरनाक तरीके से देख रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और पूरे लोग ऐसा घूर के देख रहे हैं। और गांव बहुत अच्छा है, काफी अच्छा गांव है ये देखो। मैडम आपका क्या बोलना है, बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं। रवि भाई तो बोला मैं यहाँ से जाता नहीं, अब नहीं आते, हाँ यहाँ से जाता नहीं, कमर के उतने बाल हो गए। अरे हमारे भाई भाई इधर देखो, थैंक बस 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 थोड़ी देर के लिए देखो ना तो उड़ जाएंगे हम लोग। तो मैडम आपका क्या बोलना है, और ठंडा गांव, खूबसूरत गांव, क्या गांव, हम लोग यही रहने वाले, अब जाने वाले, यस हम लोग इधर ही रहेंगे, ठंडा गांव, खूबसूरत गांव और लंबे बाल, लंबे बाल। और गाइस मेरे बाल भी ऐसे हो चुके हैं लंबे लंबे, ये गांव का नाम है लंबे बाल, लंबे बाल गांव। यहाँ पे पूरा स्टॉल कम से कम 100-200-250 स्टॉल होंगे यहाँ पे, कम से कम आदिवासी गंजे टकले, ये देख लो पूरा स्टॉल है, पूरा आदिवासी स्टॉल लगे हुए। जब हम प्रमोशन करेंगे तो मैं थोड़े थोड़े BTS आपको दिखा दूंगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये रहे हमारे मेन इंसान। तो आदिवासी हेयर ऑयल अगर आपको लेना है तो हमारे भैया से ही लेना, ओरिजिनल रहता है। और यहाँ पे सेटअप चालू है हमारे, पूरे बहनों का सेटअप चालू है यहाँ पे, ड्रेस का, जैसे मैं टाइगर प्रिंट पहनता वैसे सब लोग टाइगर प्रिंट में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये देखो तो ये भैया का लुक है, और ये दीदी का चालू है, और ये हमारे भाई है, ये सब देख सकते हैं आप लोग, भैया का पेट ज्यादा निकले हुआ है। तो गाइस वेलकम टू अवर व्लॉग, तो अभी चालू है हमारा आदिवासी का सेटअप, ये देखो इधर दिखाओ पूरा, तो ये है हमारा आदिवासी, जूम करो उधर, तो ये चालू है हमारा सेटअप, और ये हमारे बहन लोग दीदी लोग इधर, इनका भी लुक देख सकते थे, पता इधर देख। तो गाइस इनको एकदम पूरा डेंजर बना चुके हैं, सब प्रॉपर आदिवासी लग रहे सब। और ये भाई आज मतलब बोलना नहीं चाहते पर अभी आज ये कैमरामैन बन चुके हैं, क्या कर सकते गाइस, भाई कुत्ते यहाँ पे मच्छरों के जगह पे, ये भड़वे कैसे काट रहे, तो
ये इनको भी काट लिया गया और रईसा की और रईसा के पैर में भी और ये दोनों की अच्छी जम रही है अभी। ये मेरी फ्रेंड हो गई अभी। जाओ बाबू तुम रह जाओ इनके साथ में। वैसे भी मैं मेरे हालात बयां कर सकता हूँ, बहुत अच्छे हालात है मेरे। और ये मेरी जाने पीछे खड़ी हुई देख सकते आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। गर्मी बहुत हो रही भाई। नहीं अच्छा वो बच गया। अभी हमारा सेटअप चालू है यहाँ पे। यहाँ पे आके जरा ये इनके दो बोल रईसा कोइन जो वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे छोटू, इनके दो बोल और हमारे चार बोल, ऐसा करके आखिरी प्रमोशन करके वीडियो एडिट करके हम सेंड कर देंगे, ठीक है। बाद में बोलना है। ये देखो मच्छर ने काटा, मान सकता कोई मच्छर ने काटा ये। ये देखो देखो मच्छरों की लेंथ भी इतनी इतनी है भाई, बालों की तो है लेकिन मच्छरों की भी इतनी इतनी है। मच्छर तेल पी पी के बड़े हो गए। तो गाइस हम दोनों का शूट हो चुका है, रईसा का भी शूट हो चुका है, मेरा भी हो चुका है और अभी हमारे न्यू एक्टर आ चुके हैं साड़ी पहन के। मैं तेरे वास्ते नाची रही। तो गाइस इनका हो रहा है अभी शूट। मेरा ये दिन क्यों दिया है आप बोलेगा, ये भाई उनके टोन से ना बहुत कलाकार आदमी है मालूम है। ये बोलेगा तभी क्या बोले ये दिल लग गया ना आधे का टाइम में झलके लेके ला जा झलके। इसके आंग पे हमला करते हुए उसकी इज्जत बचाते हुए स्वर्ण होटल की बुकिंग चालू है भाई साहब, इनके होटल की बुकिंग चालू है, खिंचाई चालू है भाई बंदे के, भाई खिंचाई चालू है भाई बंदे की, बंदे को बिंदी लगा दिए। और देखो अभी पीछे से हमारी औरत तैयार, माँ कसम भाई साहब पूरा माल लग रही है, देखो मजेदार माल, कंचना लग रही है, कंचना लग रहा है भाई कंचना। रईसा को इन साड़ी पहनाते हुए इस मरद को रईसा को इन साड़ी पहना रही। रईसा ने साड़ी के वीडियो बहुत बनाई थी, रईसा को साड़ी का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्या सीन है। तो रईसा इसको साड़ी पहना रही है और रईसा ने खुद ने वीडियो बनाना बंद कर दी साड़ी के, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओ थैंक यू। हम छोटा मैरिज मिल दो, छोटा डायरेक्ट मैरिज मिल दो। अरे अरे तुम यहाँ पे रुको ना। तो गाइस ये है हमारा BTS और ये पब्लिक देखो कैसे देख रहे हैं हमको शूट करते हुए। ये देखो ये रईसा कोई, ये मैं और ये हमारा रमेश, खास आदमी एक आदमी वीडियो का देंगे अल्लाह। पब्लिक ने परेशान कर डाली भाई साहब, हंस हंस के देखो ये भाले। सो हेलो गाइस, फाइनली हम लोगों का जो शूट था आदिवासी हेयर ऑयल का वो कम्प्लीट हो चुका है और इन्होंने भी कर दिया। भाई कैसा रहा? एक नंबर, मजा आ गया। बहुत ज्यादा गर्मी थी भाई, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया भाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। ये लोग कैसा बर्दाश्त करते क्या पता इतनी गर्मी। ये देखो ये ऐसे टी शर्ट चलते भाई हमको, सादी जिंदगी सादे कपड़े सादी लाइफ स्टाइल, एक नंबर खुश इंसान होता है। कुछ बोले तुमने? अच्छा मेरे को लगा कुछ बोली। अरे 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 ये परेशान हो जाता है भाई आदमी कहीं रहे भाई, कभी भी मेरी बात याद रखना व्लॉग के अंदर के, कभी भी अपने पार्टनर को अपन कहीं गए तो लेके नहीं आना क्योंकि वो अपने को शॉपिंग करा करा के फंड कर डालती मालूम है क्या। तो याद रखना कुछ भी नहीं लेके क्या, ये जो पहने में मैंने लेके दिया, चुप बैठो अभी दादा बोलो मत। तो गाइस नहीं मैंने लेके दिया। तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, जुड़े रहे व्लॉग के अंदर। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान जो है उनका जो पहले से वो देखने जाएंगे, तो जुड़े रहे और अस्सलाम वालेकुम। बस ज्यादा बोलने कुछ भी नहीं, मेरे को भूख लगी है और इनको तो भाई कुछ कुछ आया है। क्या आया भाई? पेशाब। सोसो सोसो जुड़े रहे। तो ये है हमारे हासन का कोर्ट, इतना अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हवेली है करके। और हमारे औरंगाबाद सिटी का जो कोर्ट रहता भाई साहब बड़ा डेंजर है, मां का सम बोल रहा हूं, बहुत डेंजर है। ये आदमी का क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मेरे को खाने की पानी पूरी खाने नहीं दे रहा। ओ भाई क्या बोल रहे, ओ भाई साहब, ओ भाई बहन क्या बोल रहे तुम, खाने नहीं दे रहे मेरे को। अरे हम तुम्हारे रास्ते भी ले रहे ना, ये तुम वहाँ भाग रहे क्या, पागल बिगल हो गए क्या तुम?
ये इंसान ना सदा सड़ू आदमी भाई साहब, सड़ू आदमी कोई रह नहीं सकता मालूम है। चलो भैया पानी पूरी खाते, अरे ले रहा ना क्या लगा आज? ये ब्लॉगिंग का कंटेंट है ब्रो, करना पड़ता वो दूसरी दिखाओ, दूसरी गाइस अबे पता था हमने क्यों लिए, देखो हमको बुलाया थे इधर शूट के वास्ते, हमको लगा इधर हमने इतनी सेफ्टी क्यों लेके आया मालूम है, हमको बुलाया शूट के लिए भाई। अब जैसे वीडियो हम लोग बनाते जितनी माँ चौथे लोगों की, तो सीधी सीधी बात ये है कि हमारा कभी भी कोई भी किधर भी बजा सकता, तो इसके वास्ते हम तैयारी से थे और हमेशा तैयारी से रहते, हम कुछ ना कुछ लेके जाते। कोई अगर हमको सोचता कि ये भैया तैयार नहीं रहते, तो ये बात हमेशा याद रखो कि हम हर चारों तरफ से चौकन्ने रहते, और ये ना जो खोपड़ी के आर पार, हाँ सीधा, तो हमको मालूम है कि हमको मालूम है एक ही बार होगा तो जब होगा तो हम खुद डेंजर करेंगे, हम उसके वास्ते पहले से प्रिपेयर रहते। कैसा है मालूम क्या, जान अल्लाह देता और जान अल्लाह लेता, हाँ, लेकिन सामने वाला जब आता ना तो उसको लेके जाते हम, हाँ सही में। तो हिसाब से भाई ये हमारी तैयारी थी भाई पहले से। और भाई तुमने तो एक चीज देखी नहीं, ये ना ऐसा निकलता और खट्टे बोल के बैठता सीधा सर में आर पार, मारने से भीड़ चोर बस सीधा आधा तो जुड़े रहे, हाँ। आया इसलिए बोलते नहीं लेके आना करके, हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप, चलो जुड़े रहे ब्लॉग। क्या बोले, बदल गए प्यार नहीं करते, शक्ल देके प्यार कर रहे थे क्या, खारी है दूसरी है, प्यार नहीं करते। सो गाइज अभी हम लोगों ने लिया है ब्रेक, अभी हम लोग आ चुके हैं ढाबे पे और अंकल ने भी रुकाया है यहाँ पे, तो चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और अभी हम तीनों अभी है यहाँ पे, भाई की डीलिंग चल रही है और ये मैडम अभी चाय के मज़े ले रहे। चाय कैसी है? मस्त है। अरे इंसान सदा फोन में छे लोग जीने दे रहे, कौनते नए नए प्रोजेक्ट आ रहे, ज़रा ध्यान रखो, अपडेट रहो भाई पेज पे, समझ में आएगा हमारा भाई का सॉन्ग आ रहे हैं, मूवी आ रही, क्या क्या आ रही, शो में भी आ जाएंगे बड़े शो के अंदर। और ये मैडम की भी इंशाल्लाह एक बड़ी शॉप आने वाली है, अपडेट रहना तुम। और मेरा गरीब का कुछ नहीं भाई, मेरा आ चुका सब, बस मेरी शादी हो जाएगी, शादी पे सबको इनवाइट कर दूंगा, आ जाना मजे लेके एकदम। कब करने की है? जब आप बोले। देखो ऐसा रेडी रखना पड़ता मतलब। अच्छा ये भी करना है। सो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग हमारा जो दूसरा होटल है होटल विवाना वहाँ पहुँच चुके, और बोलूँगा बहुत अच्छा होटल है भाई, मेरे को ज़्यादा पसंद आया है, तो व्यूज़ भी देख सकते हो तुम, इंटीरियर देख लो यहाँ का। और ये रहा हमारा रूम और ये रहा तुम्हारा भाई जो फुल मज़े कर रहा है, इंसान ने फुल इंजॉय करना भाई साहब, ये मैं नहीं दिखाऊँगा, ये देख लो बाकी रूम, बहुत अच्छा रूम है, अच्छा लगा मेरे को, सब तरफ है हिडन कैमरेज, देखते रहना कब, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कोई भी होटल में गए किधर भी गए तो तुम्हारा काम है भाई वहाँ पे चेक करना होटल्स कि कैमरा है या नहीं है। इसके पूरे लाइट चालू है क्या? हाँ पूरे लाइट चालू है, डीम थीम है यहाँ की, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो हम लोग है अभी पूल के अंदर, भाई इधर आना, दूर को जा रहे यार तुम, तो हम दोनों है पूल के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। भाई ने गलती से कुछ गलत ही चीज़ पकड़ लिए थे, मेरे को तैरना नहीं आता पर सिखाने के वास्ते, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा अपने दोस्त आने वाले के साथ सतर्क रहे, सेफ रहे, और तैराने का मत बोले ना तो कुछ और कर ले, तैरने के टाइम पे तीसरी चीज हाथ में आ जाती है, सेफ रहे, तीसरी टांग। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बहुत नींद में हम लोग, क्योंकि सुबह के अभी 8 बजे रहे, और और ये सब लोग का नाश्ता चल रहा सुबह के 8 बजे बजे, सुबह के 8 नहीं बज रहे भाई, सुबह के 8 बजे से इसको उठा रहे और जाके आप उठा, आप बज रहे 11, आप फ्रेश हुआ, खाइए रहे, मुंह में उनके छाला आया, एक इडली में से उसका खाया उन्होंने, बाकी का मेरे हाल पे छोड़े थे तो मैंने भी छोड़ दिया। तो भाई ऐसा है, अभी हम लोग जा रहे हैं हजरत टीपू सुल्तान का जो पैलेस है वहाँ जा रहे हैं, तो मज़ार पे जाएंगे। और खास तौर से हम लोग, हमारा मेन प्रमोशन का कोई मूड नहीं था, पर हम खास तौर से आए थे हजरत टीपू सुल्तान के वास्ते, क्योंकि हम दोनों जो चीज़ की वजह से आगे बढ़े हुए तो ज़रूरी उनसे मिलना, क्या बोलते भाई? तो यहाँ तक आए वहाँ तक नहीं गए तो फिर खत्म, आईडी जुड़ाना पड़ेगी। सही बोले तो जुड़े रहे, जैसे हम जाएंगे वहाँ के पूरे व्यू दिखाऊंगा, सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाऊंगा सब लोगों को, जुड़े रहो और पूरा व्लॉग देखो। सालो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, पता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं अपने दिन के कुटाने बताना, पर बता रहा हूँ तुम्हारे वास्ते,
तुम्हारा काम है पूरा व्लॉग देखना करके, ठीक है? वॉच टाइम बढ़ाओ मेरा 4000 घंटे करो, इसकी माँ का मोनेटाइज करो, $100 तुम्हारे में बांट दूंगा बस। गाइस देखो हम फाइनली आ चुके हैं हजरत टीपू सुल्तान की जो टॉम्ब है यानी उनकी मज़ार है वहाँ पे आ चुके हैं। तो इसलिए बोलते हैं पठानी पहनो तो ऐसा पहनो कि लोग आप खुश हो जाए। जैसे ये भैया भाई, हाँ भाई को पठानी पसंद आया मेरा भाई, हाउ इज द लुक? थैंक यू। तो भाई को पसंद आया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हजरत टीपू सुल्तान की जो टॉम्ब है वहाँ पे आ चुके हैं, पीछे उनकी मज़ार है। और अभी हम दोनों जाने वाले, लेडीज़ तो आ नहीं सकती इसी जगहों पे, तो हम दोनों भी जाएंगे, थोड़ी ज़रा दरूद शरीफ वगैरह पढ़ेंगे, फातिहा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे के अपडेट में आप जुड़े रहे, ठीक है? अरे बाप भाई गाइज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग के साथ में एक इंसिडेंट हो गया। आओ भाई इधर, बोलना ज़रूरी है। तो थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि हम लोग जा रहे थे, शूट कर रहे थे, तो लड़की हमको छेड़ रही यार भाई, लड़कियां हमको छेड़ के हिजाब और बुरखे में। हाँ नौज बिल्ला, अल्लाह इन पे लानत बरसाए, लानत बरसाए, बेशुमार लानत बरसाए। बुरखों की मतलब कि यार, बुरखों की मतलब कि क्या कचरा कर डाली अपने हाथों से। हाँ। और फिर बाद में बोलते कि भाई हमारा बुरखा है, हम कुछ भी करेंगे। अरे तुम्हारे वजह से तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं चलती, तुम्हारा कम से कम इतना तो भी काम है कि भाई। और बुरखे पहन के और ऐसे ऐसे लोगों को छेड़ रहे, हमको छेड़ रहे भाई दोनों को। हम जा रहे टॉन कमेंडा पास कर रहे, छपरी हरकत बंद करना ऐसे लड़कियों ने। एक जमाना था अपने नबी ने बोले थे कि ना वो लड़कों को लड़कियां छेड़ेंगे करके, ऐसी चोर हमारे साथ में, हमको लड़कियां छेड़ डाल रहे दोनों को। और उनको शायद ये मालूम नहीं है कि हम लोग इस्लामिक क्रिएटर आए करके। हाँ। हम मार देते खोलकर, हमने जाके उनसे रिवेंज लेके। और पीछे जो जूस वाले दिख रहे हैं, पी रहे जो वहाँ पे ग्रुप में पीछे बस दिख रही, हम दोनों ने सेटिस्फिकेशन करके आया। क्यों बॉस? सेटिस्फिकेशन लेवल जो है ना वो आप नेक्स्ट लेवल था, बहुत मजा आ गया, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया एकदम। अम्मा की चूत उनकी। अरे बस लाला। तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं हजरत टीपू सुल्तान का जो पैलेस है वहाँ पे आ चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पैलेस है, आप सभी लोग देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया पहले से। और हमारे भाई, मैंने जाम खाया अभी। अच्छा आपने जाम खाया, ओके। क्या बोले फिर? और गाइस बहुत अच्छी जगह है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से। वाह मस्त है, मस्त जगह है गाइस। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत भारी म्यूजियम है हजरत टीपू सुल्तान का जो पैलेस बोलते हैं, ये माशाल्लाह से उनका पैलेस था और यहाँ पे वो रहते थे पहले। साला पहले के ज़माने में अगर मेरे पास अगर ऐसी चीज़ होती ना, तो मैं आज तो बाबा 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 अलग ही नेक्स्ट लेवल जिंदगी जीता हूँ, मालूम है क्या। सो गाइस फाइनली वी आर इन मैसूर पैलेस, जो हजरत टीपू सुल्तान का पैलेस था। हम लोग वहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, हमारी फटके चार हो चुकी है, पर हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि हवा भी बहुत सारी आ रही है। ये देख सकते कितना बड़ा, माशाल्लाह से कितना बड़ा पैलेस है ये। और शूट कर रहे हैं रमीश भाई स्वयं, हमारी जान, हमारी आरमान जान। और ये है हमारे भाई जो शूट कर रहे हैं, और अच्छा खासा शूट होगा। और इस वीडियो को प्यार बरसाओ पब्लिक, जो लाल बटन है उसको धपा धप धपा धप धपा धप धपाओ। उससे क्या होगा, अगला जो तुम्हारे को व्लॉग आएगा या कुछ अपडेट आएगा तो तुम्हारे तुरंत नोटिफिकेशन आएंगे। और बेल आइकन का जो है ना डम्बा, ऐसा लात मार के दबाओ। यस चैनल का नाम बोल दो भैया मेरे, सोहेल एक्सडी। यस सोहेल खान एक्सडी वाला मेरा जो चैनल है वो करो। और हमारे भाई का भी चैनल है रमी, मिस्टर रमी 07 करके इनका चैनल है यूट्यूब का, उसको सक पकड़ाइस करो सब लोग। कृपया दीवारों पर हाथ ना लगाए, कृपया दीवारों पे हाथ ना लगाए। सो गाइस फाइनली हम लोग हजरत टीपू सुल्तान का जो पैलेस है वो घूम चुके हैं। और मेरे को सबसे अच्छा यहाँ पे ये झाड़ लगा बड़ा वाला, बहुत प्यारा झाड़ है भाई, और मस्त लगा ये पूरा व्यू। अंदर वीडियोस वगैरह फोटोज अलाउड नहीं, फिर भी तुम्हारे भाई ने चोरी छुप के ले लिया, बट ठीक है चलता है। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं आप सभी लोग, तो जुड़े रहे भाई। अच्छा है मैसूर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। तो जितने लोग देख रहे भाई आया करो मैसूर, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस फाइनली हम लोग ये एक और होटल में आ चुके हैं, और बहुत अच्छा होटल है। और ये रहा वो इंसान जो यहाँ पे है, अभी आ रहा है हमारे पास। और ये रही रईसा क्वीन जिनको घबराहट हो रही। हाँ सो गाइस बहुत अच्छा होटल है, अभी मैं आपको खाने की डिश बताऊंगा। भाई कुछ बोलना है?
बहुत कुछ बोलना भाई, क्या गाड़ियां यहाँ पे पुराने पूरे लाके पूरे पुराने गाड़े हाँ दिखेंगे। चलो म्यूजियम बना। मैं आपको पूरा म्यूजियम कर लिया बहुत कमी नहीं यार तुम। अरे नहीं ब्लॉग के लिए तुम्हारे। अच्छा ओके ओके ब्रो, नाइस नाइस ब्रो, वेरी नाइस। सो गाइस मैं आपको गाड़ियों का फुटेज दिखाऊंगा, जुड़े रहे। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक और दोस्त बन चुका है, इंसानों से तो बेहतर रहते ऐसे दोस्त। इधर आ भैया इधर। तो ये हमारा एक और दोस्त छुटकू बन चुका है, बहुत अच्छा है। अगर अपन जहाँ से भागते जाए अपने पीछे पीछे भागता हूँ। और मैं एक मेरा फॉलोअर्स को मैसेज दूंगा, मैं रोड पर देखता हूँ भाई कि लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, जानवरों को मारते, कुत्तों को पत्थर मारते। मत मारा करो भाई, एक रोटी एक वो रहता। और अगर तुम अगर कोई जानवर को मारोगे तो तुम सबसे बड़े कुत्ते हो मेरी नज़रों में, मालूम है क्या। कुत्ते से बदतर हो तुम सुअर हो जो मासूम जानवरों को मारते। तो मत करा करो ओए भाई, पचका मत कर मेरा ओए 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 खुजली भाई साहब, ये खुजली वाला था शायद, सो खुजली आ रही है जान दो। तो मैं आता हूँ, तो जुड़े रहे भाई हमारे व्लॉग के अंदर, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सांगली के अंदर और बारिश हो रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं। और हमारे भाई को कुछ चाहिए था इसलिए हम जनरल डब्बे तक घूम के आ गए पर हमको मिला नहीं, पर ठीक है चलता है तो मसला नहीं है। ब्लॉग में जुड़ा रहे, आखिरी का ब्लॉग रहेगा अपना पुणे का, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा भाई ब्लॉग, पूरा एंजॉय करो ठीक है। और सब्सक्राइब